हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बाबू एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल लाइफ लाइन किंग एंड अनदर द ब्लॉग। दोस्तों, आज हम आए हैं सूरत बाडोली इलाके में। यहाँ पे कुछ जगह घूमने का हमारा इरादा हुआ, तो आज अभी फ़िलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं। और अभी फ़िलहाल हम जो है वो कुछ ऐसी जगह बैठे हुए हैं, तो यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद चलेंगे बाडोली, पूरा घूमेंगे। तो फिलहाल जो है अभी हम जो है एकता वन गार्डन के पास हैं और ये व्यू कुछ इस तरीके से है। अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली इसलिए हम अंदर जा नहीं पाए, लेकिन यहाँ से जाएंगे बाबेन और बाडोली घूमेंगे। उसके बाद जो है वहाँ से धीरे धीरे जो भी घूमने जैसी जगह मिलेगी तो वहाँ जाएंगे और घूमेंगे। और ये एकता का प्रतीक है, ये आप जो देख रहे होंगे हमारे पीछे सारे लोगों ने एक साथ हाथ पकड़ रखा है, तो इसका एक ये प्रतीक है कि सारे लोग एक साथ चलें, एक साथ रहें। ठीक है, तो अभी अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली इसलिए हम यहाँ से जा नहीं पाए, लेकिन आगे चलेंगे और आगे की वीडियो आपको दिखाते हैं। फाइनली फ्रेंड्स आ गए हैं बाबेन। एकता वन गार्डन से लगभग 3-4 किलोमीटर अंदर जो है वो बाबेन सिटी पड़ती है और ये आउट ऑफ कंट्री से काफ़ी मिलती जुलती बनाई गई है। तो मैं आपको इसको बैक के कैमरे से दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको देखने में अच्छी लगे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays and I... फाइनली मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। ये जो आप देख रहे होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है वो मूर्ति लगभग 20 से 25 फीट ऊंची है और ये सिटी काफ़ी अच्छी लगी। बाहर कंट्री से मिलती जुलती पूरी सिटी बनाई गई है, तो इसके लिए इसका नाम भी बहुत अच्छा रखा गया, आई लव बाबेन। काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस साइड। और सोसाइटी यहाँ पे जो है वो बहुत अच्छी अच्छी लोगों ने बना रखी है, जिस तरीके से बनानी चाहिए नेचुरल जो है वो जो घर होता है, लोग जो सोचते हैं अपने माइंड में कि मुझे ऐसा बनाना चाहिए, तो वैसे यहाँ पे लोगों ने बना रखी है। और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ घूम के, तो उम्मीद है कि आपको भी जो है काफ़ी अच्छी लग रही होगी। और आगे जो भी मैं देखूँगा वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जो है वो मच्छी वच्छी देखने की कोशिश कर रहे हैं, आप यहाँ देखेंगे। फाइनली दोस्त हम आ गए हैं शुगर फैक्ट्री के पास और ये एशिया की टॉप 5 में से एक दूसरे नंबर पे शायद आती है ये फैक्ट्री। और यहाँ पे आप ये देखेंगे तो बैल, किसान जो है इसका बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि किसानी से ही सारी चीज़ें उगने वाली हैं और कमने वाली हैं, तो गन्ने का काम जो है वो किसानी करते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़दीक से जाके दिखाऊँगा थोड़ा सा कि किसान हल ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बनाई गई हैं। ठीक है, तो और ये शुगर फैक्ट्री कुछ इस तरीके, इसका मेन गेट है, अंदर बहुत बड़ी है, अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी वो हमें पता है, इसलिए हम नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखती है और इसकी वो बड़ी बड़ी चिमनियाँ जो है वो दिख रही हैं।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on